इंसान की जिंदगी में आता है, पर ये टोटल स्यापा आप दोनों की लाइफ में, रियल लाइफ में कैसे कुछ समझ में नहीं आती, बताइए। यार मैं इसके घर गया इसका हाथ मांगने इसकी फैमिली के साथ, तो फैमिली ने कहा कि कहाँ से है, इसने कहा पाकिस्तानी है, वो एकदम फ्रीक आउट कर गए। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं हूँ तो उस पर फिर हमारी लव स्टोरी बेस्ड है और किस तरह से ये अपनी फैमिली को हैंडल करती है और मैं इसकी फैमिली को हैंडल करने की कोशिश करता हूँ और ये मुझे हैंडल करने की भी और मैं इसे हैंडल करने की भी, तो एक पूरी एक स्यापे के अंदर भी और भी स्यापा हो जाता है। ये तो सिर्फ एक पहलू है, एक ही साइड है स्यापे का, और यहाँ पे पूरा पूरे स्यापे को आप ही हैंडल कर रही हैं। नहीं 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 नहीं, मिलके कर रहे हैं, जो कर रहे हैं मिलके कर रहे हैं, पर कैसा कौन कितने अच्छे से स्यापा और पिला रहा है या कौन उससे, आपको लग रहा है आप निकाल रहे हैं दूसरे को स्यापे से, पर आपको और धक्का मार रहे हैं उसके अंदर, तो दिस इज व्हाट हाउ द केमिस्ट्री इज गोना वर्क। ऑडिशंस की बात करी थी यहाँ पे, तो ऐसा कोई ऑडिशन जो कभी आपने दिया हो और आपको बहुत ज़्यादा निराशा हुई हो, आपने स्ट्रगल तो एब्सोल्युटली किया ही होगा एक एक्टर बनने का। सो लकीली मैंने जब भी ऑडिशन दिया मैं सेलेक्ट हो गया। सो शुरू में जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी तो मैंने क्लोजअप के ऐड के लिए अपनी स्माइल का ऑडिशन दिया था, वो ऐड मुझे मिल गया था। या मियां मैं एक ब्यूटी ब्रांड था उसके ऑडिशन, उसका ऑडिशन दे रही थी, मिल गया था मुझे वो ब्रांड, पर उस वक्त जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उन्होंने कहा था आप थोड़ा टचअप कर लीजिए, आपके गाल पे पिंपल है, और मैंने कहा पिंपल, मैं देखा वो मेरा डिंपल था, तो पिंपल डिंपल हो गया। लास्टली ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक आप किसी बड़ी फैमिली से, इंडस्ट्री में किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते तब तक आपको बॉलीवुड में चांस नहीं मिल पाएगा, आप इस बात पे कितना सच मिल तो गया चांस और कितना चांस मिल। देखिए मैं थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है बिकॉज अगर आप किसी को जानते नहीं इंडस्ट्री में, जिससे हम दोनों किसी को नहीं जानते थे, और मैं तो बल्कि यहाँ से मैं तो था भी नहीं यहाँ से, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था, मैं भी नहीं थी यहाँ से, चंडीगढ़ से थी, मैं पाकिस्तान से था, तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आई थिंक अगर आप सच्चे दिल से, लगन से और मेहनत से काम करते रहें और इस चीज़ पर यकीन रखें कि लव ट्रांसेंड्स एवरीथिंग एंड हार्डवर्क ट्रांसेंड्स एवरीथिंग एंड टोटल स्यापा ट्रांसेंड्स एवरीथिंग, और 7 मार्च का जो दिन होगा उस दिन क्या होगा, ऐतिहासिक दिन होगा।